जब हम आरआरबी की बात करते हैं एक तो उसके साथ आजकल एक स्कैम जुड़ता है, क्यों जुड़ रहा है, कैसे कैसे ये चीजें, कहां कहां गलतियां हुई, कहां पर लूप होल्स हैं और कहां पर हमें चिंता जतानी चाहिए और क्यों रेलवे ने चिंता नहीं जताई, ये सारे विषय को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पा रहे हैं गुणा गणित, जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है और घोटाले तक पहुंचने में, स्कैम तक पहुंचने में इसे कितना वक्त लगता है। देखिए इसके कई सारे खामियां हैं। मैं बेसिकली जो लड़कों, एक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका होता है जो 120 नंबर के एग्जाम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है 100 नंबर के हिसाब से। अगर कोई लड़का 50 नंबर, सपोज कीजिए वो 60 नंबर बना के आया है, तो उसका रिजल्ट में 60 नंबर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि उसका 60 की जगह पे, अगर 60 बना के आया है तो हो सकता है कि 60 की जगह पे वो 85 हो जाए, या हो सकता है 60 की जगह वो 55 हो जाए। अब कभी हो सकता है 60 की जगह मतलब 50 भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि भीड़ तो आप छांटेंगे कैसे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा है ये आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि ये किसी का 50 ही होगा कि 50 होगा। राजीव आप कोशिश करें कि मुझे इस विंडो से गायब करें, खान सर को पूरी विंडो दीजिए। नहीं एक्चुअली है क्या कि मेन लड़कों का समस्या है कि कोई लड़का एग्जाम दे के आया तो उसको अपना फाइनल नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं पता रहता है। सपोज कीजिए कि उसको पता है कि हाँ 70 नंबर के आसपास उसका कट ऑफ जाएगा, कि मतलब 70 के ऊपर चला जाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो दुविधा में है कि हम 60 बना के आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 85 होगा कि 55 होगा, तो अब वो ना ही फेल मान के अगली तैयारी भी नहीं कर सकता है, पास हो को अपने को खुद पास मान के पूरी तरह से सेकंड फेज के लिए भी नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ये तो नॉर्मलाइजेशन एक कॉमन समस्या है, इसको बस ये बताना चाहिए कि ये किस मेथड से लगा रहा है। किसी टीचर को नहीं पता चल पाता है, किसी स्टूडेंट को नहीं पता चल पाता ये नॉर्मलाइजेशन। खैर इसमें मेन मुद्दा ये नहीं है नॉर्मलाइजेशन, ये कई सारे खामियों में एक ये भी खामी है, लेकिन मेन मुद्दा कुछ और है, वो है रिजल्ट में गड़बड़ी। 20 गुना रिजल्ट बोल के कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, एक्चुअली रिजल्ट दिया गया है 11 गुना, 9 गुना लड़के गायब है। यानी ये सवाल है 380,000 स्टूडेंट्स का। मेन समस्या ये है कि जब आपने फॉर्म में बोला, और रेलवे का हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से रेलवे बना है अगर वो कहता है कि हम 10 गुना रिजल्ट देंगे तो 10 गुना ही देता है। किसी एग्जाम में पिछली बार वो 15 गुना कहा था तो 15 गुना दिया, इस बार वो 20 गुना कह के 11 गुना कह रहा है। मेन समस्या यही है। इस समस्या के बारे में क्या पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, जानते नहीं, क्योंकि आप लोग तो लगातार पढ़ाते रहे हैं, तैयारियां करवाते रहे हैं, रात रात भर मैंने देखा है कि आप क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, उसे बताते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं, तो क्या ऐसे में वक्त नहीं मिलता इसे देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिर कुछ गड़बड़ करेंगे।